नमस्कार दोस्तों, टोटल स्ट्रेटेजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा शेयर है जो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे हमें बेनिफिट मिल सकता है कम से कम समय में। तो आज जो मैं स्टॉक लाया हूं जो आपके सामने, वो है कॉनकॉर के ऊपर। तो कॉनकॉर जो है करेंटली वीकली के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, तो इसमें अगर हम जैसे ओवरऑल नज़र आएंगे तो करेंटली ने मार्केट ने अभी तक न्यू हाई नहीं दिया है, तो मुझे इसके अंदर एक करेंटली न्यू हाई उम्मीद नज़र आ रही है। तो अगर मैं वन मंथ के हिसाब से देखूँ, अगर इसको वन मंथ के हिसाब से अगर मैं टेक्निकल पे लगाऊँ, तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, जो जैसे ही यहाँ पे सस्टेन करना शुरू करेगा तो इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको काफ़ी से काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए मिल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है आप करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए बेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे तो वो बेटर होगा। तो ये जो चीज़ है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो इसके लेवल है, आप पहले लेवल देख रहे हो, इसका करीबन करीबन नज़र आ रहा है 616। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है दोस्तों। 616 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना शुरू करेगा तो इसका जो लॉन्ग टर्म जो नेक्स्ट टारगेट है वो सीधा आपको नज़र आएगा 900 के आसपास, जो 2 से 3 सालों में पॉसिबिलिटी कर सकता है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, ये मान के चलो अगर हमें 5 to 20% ईजिली गेन करना है, तो दोस्तों ये जो करेंटली है काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। इसके अंदर मेरा पर्सनल एक इन्वेस्टमेंट मैंने ऐड ऑन किया है, इसको करीबन करीबन मैंने जो ऐड ऑन किया है 560 570 का एक एवरेज पॉइंट, सो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 565 के आसपास मैंने बाय किया है, मुझे परफेक्ट फिगर याद नहीं है, तो उसके ही आसपास मैंने इसको एंट्री लिया है। तो ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है अगर आप नज़र देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस तो लॉन्ग टर्म में हमने देख लिया। अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्ट इसका जो है सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो मान के चलिए अगर ये स्टॉक जैसी इसके नीचे करीबन करीबन आप पकड़ के चलिए, अगर ये 529 के नीचे या 527 के आसपास ये क्लोजिंग बेसिस दे देता है, तो ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगा और इसका जो नीचे डायरेक्ट जो नेक्स्ट फॉल एक्सपेक्टेड मोमेंटम आएगी फिर 460 है। तो दोस्तों अगर जैसे ही इसके नीचे क्लोज होता है तो इसमें आपको एग्जिट करना है, और अगर हम करंट मार्केट पे भी अगर किसे बाय करना है तो वो बाय कर सकते हैं, लेकिन 50% ही ऐड कीजिएगा। और दोबारा इसे अगर वापस कल के दिन 570 के आसपास 500 सेट नज़र आता है तो कर सकते हो पूरा इन्वेस्टमेंट, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको ज़रूर मेंटेन रखना है। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले दोस्तों आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि पर्टिकुलर स्टॉक पे, या एक आप अपना एक सेल्फ स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसी ही ये, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा 645 के ऊपर, तो दोस्तों इसमें आपको एक बड़ी तेज़ी नज़र आएगी। तो मान के चलो अगर हम करंट मार्केट प्राइस से भी बाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हमारी ये रेंज से हमने जो बाई किया है 580 आप पकड़ के चलिए, 580 से भी आपने बाई किया है, तो ओवरऑल इसके हिसाब से जो आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो है 524 का, और जो फर्स्ट टारगेट इसको इजीली जो एक हफ्ते के अंदर आपको 645 नज़र आने की उम्मीद है इसके। जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो लगभग लगभग आप मान के चलिए मैं इसमें फिबोनाची का सहारा लूँगा, जो काफ़ी एक अच्छी इंडिकेटर नज़र आती है दोस्तों, तो इसमें आपको करीबन करीबन 820 के आसपास टारगेट मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा एक हमेशा लॉजिक होता है कि 10 to 20% मैं बाइंग लेवल से लेता हूँ, तो करंट मार्केट प्राइस अगर आप जो भी 10 to 20% एड ऑन के हिसाब से आप देखेंगे, सफिशिएंट के हिसाब से आपको जो कंफर्टेबल प्रॉफिट होता है वो आप देख सकते हो, लेकिन मुझे मान के चलो अगर मुझे हफ्ते भर में ही 5 से 10% मिल जाता है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मैं डेफिनेटली ये स्टॉक में एग्जिट ले लूँगा। तो मुझे जो है कम से कम समय में जो मुझे प्रॉफिट चाहिए, हमेशा मैं 5 to 10% के हिसाब से ही मेरा सेटअप बना हुआ है, और मैं वही स्टॉक्स को लेके एंट्री क्विकली एग्जिट कर देता हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल ये थी स्टॉक एनालिसिस कॉनकॉर के ऊपर। अगर आपको हो, अगर मेरा टेक्निकल पसंद आया हो, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए स्टॉक एनालिसिस में, कॉल्स में, फ्री एडवाइस में, तो आप डेफिनेटली मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया हुआ है। तो आई होप सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे, जय हिंद।